बारिश पे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ना हम जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि सावन में जो आज शिवरात्रि होती है ना, वो शिवरात्रि पे हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। आज है ना जितने भी लोग जो हरिद्वार से कावड़ लेके आए ना, वो आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कावड़ चढ़ेगी। तो हमने भी व्रत रखा है माँ शिवरात्रि का, तो बने रहो ब्लॉग में और हम जा रहे हैं पूजा करने। तो जब आप पूजा करने जाएंगे ना, जब आप देखना कैसे जाएंगे, वही मंदिर है जब हमने दूसरे ब्लॉक में वीडियो बनाया था ना, वही मंदिर है ना मम्मा। हाँ, वही मंदिर। चलते हैं गेट में। ये देखो मम्मा, बहू ये जो छोटी बहू है ना, ये मेरी है, और इससे ना डुगू कभी करेगी है ना मम्मा। हाँ, दोनों कर रहे हैं। हाँ, दोनों कर चलेगी। हाँ, नीरज इंदी है एक, तो उनके साथ चलेगी ना। हाँ, आंटी भी जा रही है, तीसरे नंबर पे रुकेगी लिफ्ट, क्योंकि आंटी भी जाएगी हमारे साथ। ये है तीसरा नंबर हमारा ना। एक मिनट रुक जाना ना, यहाँ पे भी खड़ी रहना जी। देखते रहना, फिर उतारनी पड़ेगी इसकी चप्पल। सही है, ये लेके आई थी आंटी मैं, वो जो मैं बता रही थी ना ले रही। अरे ये तो सही थे मिंटू, 150 रुपए का जड़ 120 का है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस को हाय खेल दो, हाय खेल दो। आंटी पता है इनमें तो इतने अच्छे सुंदर सुंदर कलर थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। देखो ऐसे में देखो, बोलत वन टू वन, पहनने पड़ रहे हैं आपको तो। उस दिन तो मैं तो खूब ही आती है, ऐसे तो खूब मिल रहे थे बस। चलो पार्क में हम आ चुके हैं। देखो पार्क हमारे कितनी बड़ी है, देखो पार्क हमारे कितनी बड़ी है। कैसे जा रहे हैं? वाओ यार, एक बार बच्चे को तो डर भी लगता है कहीं गाने ना आ जाए। बाबा मेरे बच्चों को सुख शांति से रखना। ये देखो गाइस मम्मा बना रहे हैं चाय। लड़की ले आया भगवान आंटी, मोबाइल खोलो भाई। क्यों आ रही वो कोई लड़का लेके? तो वो पबजी खेलती थी वो लेडी। अच्छा, और इधर से ही लड़का भी खेलता था, तो पबजी खेलते खेलते इनकी दोस्ती हुई। आज से 2020 से चालू। अच्छा, बातें करने लगे, फोन नंबर एक दूसरे को दिए, तो प्यार हो गया। और प्यार भी इतना खतरनाक हुआ, तो उसके चार बच्चे भी थे उस लेडी के, 2 लड़के 2 लड़के। चार बच्चों को लेके आ गई, लेके भी आ गई। उसको देखना, उसमें तो बहुत बड़े बड़े वो लग हो रहे हैं ना, की सरकार इसको, अपनी भारत सरकार इसको वो लिया जाए, की हो सके पाकिस्तान की जासूस हो, जो भी है। हम क्या कह सकते हैं कि वो गलत है सही है क्या है, पर वो 5 पास बताती है अपने आप को, और ऐसी इंग्लिश बोलती है, पर नाटेदार बिल्कुल अच्छी इंग्लिश बोलती है, एकदम प्योर शुद्ध इंग्लिश, अच्छे से बात करती है। अच्छे अच्छे मतलब अच्छे अच्छे नेताओं के सामने वो बात कर रही है, अच्छे अच्छे मीडिया के सामने, हर एक एक तो प्योर बच्चों के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में ऐसे जैसे सोच कर कदर मूवी, मतलब वो जो सकीना को तो सलमान खान वहाँ छोड़ के आया था, अब वो सकीना बड़ी होके आ गई, और उसकी किसी लग रही है वो, जब वो सकीना आ गई ऐसे ऐसे बहुत कमेंट कर रहे हैं। पर उसको वो रो रही है, कह रही है मुझे पाकिस्तान भेजोगे तो मुझे मेरी गर्दन काट दी जाएगी, वहाँ पे मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे को इससे प्यार हो गया। प्यार भी ऐसे हुआ था, कह रहे हैं कि सूखी आम की लकड़ी है, इससे देखो प्यार हुआ है ये लड़का, ऐसा गंदा सा लड़का है। मीना बताया, सचिन मीना, पर मेरे को लगता नहीं है, नोएडा में यूपी में मीना भी है,
राजस्थान में मीना है, इधर तो मीना नहीं है। देखो मेला इधर भी है, राजपथ नंबर, राजपथ नंबर है ना। चलो वो तो ये वो क्या नाम है, तो नाम बसा हुआ है उस मंदिर में। कोई बात उसकी नौकरी भी हो गई ना, कुछ भी ना इधर का लड़का कह रहा था मामा उन बच्चों का, कह रहा तूने कैसे पसंद किया, ऐसे चार चार बच्चे हैं उनका कोई नहीं, कैसे पेट भरेगा तेरा, और ज्यादा मेहनत करके करूंगा मैं इसको भी रखूंगा, बच्चों को भी ये आ रही है जिसके बच्चे का आ जाएंगे। तो फिर कुंवारा ही है, ये कुंवारा है और उसके पति था, तो वो पति उसको रखता नहीं था, तलाक ले रखी थी। मंदिर में शादी करनी कह रही है, नेपाल में गई कहाँ गई? मैं आपको मतलब बाहर का मौसम दिखा दूँ कैसा हो रहा, पूरा जबरदस्त हो रहा है। सुनो बहुत ही जब बारिश आने वाली है, काले बादल आ गए, देखो काले बादल, देखो कितना जबरदस्त। आ जाओ जल्दी आओ, बारिश आने वाली है। अरे वो तोतली आ गई फटाफट, देख देख उसके अंदर उड़ जाएगी, ले इधर आ डुगू, बच्चे को भी देना लगता है ईशा। तो गाइस आपको बता दूं, आज है ना बहुत अच्छा मौसम हो गया और 5 ही बजे अभी तो, और रियल में हकीकत में सही बताऊं तो भयंकर से भयंकर वाली बारिश आने वाली है। तो ना मैं तो अभी मेरा सारा सामान बालकोनी में से हटा के अंदर रखी आई, उसके बाद में मेरे को ना मंदिर जाना था, थोड़ा सा ये हो रहा है कि थोड़ा सा और समय हो जाए, जैसे 5:30-6 का टाइम हो जाए तो मैं मंदिर भी जाके आ जाऊँ। अब ना टेंशन हो रही है, मैं मंदिर जाऊँ उससे पहले अगर बारिश आ गई तो फिर टेंशन, काफ़ी दूर है वो मंदिर। वैसे मैं हर शनिवार को जाती हूँ संतोषी माँ के मंदिर में, तो बादल देख लो बहुत गंदे वाले बादल हो रहे हैं आज तो, हो रहे ना दिल्ली में कितनी झीलें बनने वाली है। तो भाई बने रहो मेरा ब्लॉग में, दिखाऊंगी आज की बारिश, भयंकर वाली बारिश होने वाली, क्योंकि मौसम के देखते हुए तो यही संदेश दे रहा है मौसम तो मुझे बार बार कि मिंटू छुप जा अंदर घर में जाके बच्चों को ले जा और थोड़ी देर नज़ारे देख ले और फिर चले जा। वो गया, बाय कर दो, बाय 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 कर दो डुगू, बाय करो, बाय बाय, आजा आजा यार डुगू, हम तो देखते ही हैं वो, हम उसमें बैठेंगे कब यार, पापा से बोलना डुगू प्लीज, वो तो गया, मम्मा क्या करेगी अब। तो गाय जिसके ताऊजी है ना डुगू के, ईशू के ताऊजी भी एयरपोर्ट में ही जॉब करते हैं, तो वो मेरा डुगू अपने ताऊ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ताऊ हमें भी फ्लाइट में बैठना है ना डुगू, बैठना है ना। अरे बारिश कितना तेज वाली, ये कपड़े भीग गए किसी के, मेरे को तो टेंशन हो जाती है बेचारे, कोई कपड़े धो के सुखा के। ईशा आ जा, आई मैं, आई आई मैं, आई चलो चलो बच्चों। अरे यार डुगू यार साइकिल तो आजा आजा, फिर बाद में अगर कोई आके गेट खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो गाइस देखो बहुत तेज बारिश आ गई है, हमने एक दो रील भी शूट करी थी और है ना बारिश इतनी आ गई, ये देखो बदमाश। तो गाइस देखो कितनी तेज बारिश आई है, सच में बहुत तेज हो रही है, लड़की पूरे मजे ले रही है बारिश पे, आ गिर गई, वाह मजा आ गया, डुगो ताली बजा, गिर गई, देखो ड्रामे कर लिए ना, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं ऐसी गंदी लड़की। तो गाइस ईशू के लिए बन गया दूध और अभी उसको ढूंढती हूँ निकम्मे को, वो कहाँ है पता नहीं, आजकल के बच्चे तो ऐसे खेल खेलते हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, और मैंने तो मैं लाइफ में पहली बार देखती हूँ उसके डेली के ड्रामे हैं लड़की के। देखो ये इतना बड़ा घर छोड़ के ये अपना घर बनाती है पता है, और देखो मैं इसको, ईशा देखो सो रही है, देखो अरे अभी सोने दो, देखो सोने दो। और ये देखो ये सारे डोगी देखो कैसे लेके बैठती है, देखो उधर एक डोगी बड़ा बड़ा उधर रखवाड़ा बैठा है, देखो डुगू भी हंस रही है। तो बेटा सो तो जाना, फटा फटा दूध तो पी लो, नहीं रखूंगी नहीं छोड़ूंगी तेरा घर। तो गाइस इसका घर कैसा लगा, और आपको एक बात बताऊं, अगर जिसका भी अपना घर होगा तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ना अपने घर को सोफे वोफे डाइनिंग टेबल वेबल ये लगा के अपना घर मत भरो, क्योंकि सबसे मैंने अपने बच्चों के लिए खाली जगह छोड़ो, जो बच्चा जो मर्जी खेलेंगे कूदेंगे मौज मस्ती जो भी करेंगे करने दो यार, हम भी गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, नीचे बैठ के भी तो खाना खा सकते हैं, क्यों बच्चों को अत्याचार कर रहे हैं अभी से, ना बेचारे गाँव में जाते ना कोई खेत देखते, तो यही तो इनके लिए खेत है यही इनके लिए घर है,
और यही इनका गांव, इसी जगह में ये टाइम पास। अगर हम इसमें भी सोफा, डाइनिंग टेबल, चेयर वगैरह, रूम तो वैसे ही भरे हुए होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मेरा हॉल बिल्कुल मैं खाली रखती हूँ। एक ये जो इनके काम की चीज है ये मैंने रख रखा है कि बच्चे झूल झूल के इस पर टीवी देखती है तो ये भी खुश रहती है। अरे मम्मा वो घर बिगाड़ दिया उसका, डुगू तो जाते नाश कर देती है उसका घर का। मारा कि नहीं, मारा कि नहीं, देख नो कोई बात नहीं बाबू, हम उसका घर पूरा बिगाड़ देंगे, हम पूरा बिगाड़ देंगे, बिल्कुल नहीं रोना बहादुर बच्चा, नहीं रोते, ऐसे मार देती है मामू, है ना, गुस्सा नहीं करते दीदी पे। दीदी सॉरी बोलो, ईशा अच्छे से बोलो, कान पकड़ के बोलो बेटा जल्दी, अब पकड़ो अपना डुगू, कोई बात नहीं दीदा ने सॉरी बोला, बच्चा सॉरी बोला, हम उसका घर ऐसे ऐसे बिगाड़ देते हैं। गुस्सा वाली कर दिया तुमने ज्यादा, तो नो नहीं बच्चा, क्यों करना है, क्यों करना है गुस्सा इतना, किस लिए गुस्सा करना है बताओ बेटा, मत किया करो। हेलो गाइस, आज का व्लॉग हमारा यही फिनिश होता है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और ध्यान रखना गाइस, 20 तारीख को मिंटू मीना का बर्थडे भी आने वाला है, तो गिफ्ट में आपसे क्या मांगा था और आपने प्रॉमिस भी करा है, सपोर्ट के लिए बोला है, तो गाइस चैनल मोनेटाइज करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए गिफ्ट में। तो देखते हैं कल की दिनचर्या मेरी क्या रहती है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।